खंदौली पुलिस ने अवैध शराब से भरे कैंटर को पकड़ा है, साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा की थाना खंदौली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। खंदौली पुलिस टीम ने टोल के नजदीक एक कैंटर को पकड़ा जिसमें गन्ने भरे थे। शक होने पर कैंटर को खाली कराया गया तो उसमें हरियाणा मार्का की शराब बरामद हुई। पकड़ी गई शराब की कीमत 15 से 20 लाख रुपए की बताई गई है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद से बिहार के पटना को जा रहा था शराब का जखीरा। कैंटर में सप्लाई की जा रही थी हरियाणा की शराब। पुलिस ने टोल के पास से कैंटर सहित दो लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने अभियुक्तों से 4000 रुपए भी बरामद किए। मुखबिर खास की सूचना पर ब्रांडेड शराब की 223 से 230 पेटियां बरामद की हैं। कैंटर के चारों तरफ गन्ना था और बीच में शराब थी। हरियाणा की शराब को बिहार भेजने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है जिसमें आज पुलिस ने सफलता हासिल की। विनोद कुमार, आगरा, समाचार 24। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा अभियान शिकंजा के तहत और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आगरा जनपद का जो अपराधियों का धरपकड़ का अभियान जो जारी है उसी क्रम में थाना खंदौली ने एक कैंटर पकड़ा है। उस कैंटर में कुल 225 से 230 पेटियां शराब मिली हैं। शराब जो है वो मैकडोवल्स और ऑफिसर्स चॉइस उस पर लेबल लगा हुआ है। जो अनुमानित कीमत है शराब की वो 15 से 20 लाख है। और जो तरीका था शराब को ट्रांसपोर्ट करने का, वो कैंटर में पहले शराब रखते थे, उसके बाद उसको छुपाने के लिए चारों तरफ से उसके गन्ने ये लोग लाद देते थे ताकि अगर कोई चेकिंग भी कहीं पे करे तो पकड़ा ना जा सके। मुखबिर खास की सूचना पे इस गाड़ी को रोका गया, इसमें तलाशी ली गई तो ये सारा सामान पकड़ा गया है। जो बरामदगी है एक कैंटर है, दो नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं जो ये लोग चेंज करते हैं अपनी गाड़ियों का, मतलब पहचान ना हो पाए उसलिए। इसके अलावा 4000 रुपये और जो मैंने शराब बताई 225 से 230 पेटी शराब। ये जो शराब का ट्रांसपोर्टेशन है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो बताया कि फतेहाबाद हरियाणा से ये शराब इन लोगों ने उठाया था और इसको बिहार में पटना के आसपास कहीं इनको डिलीवर करने का बताया गया था। वहां जब ये पटना पहुंचते तो फिर वहां से जिस मालिक ने इनको शराब उपलब्ध कराया था वो बताता कि कहाँ डिलीवर करना है। अनुमानित कीमत सर लगभग क्या होगी बरामद शराब? जो अनुमानित कीमत हमने अभी आंकड़ा लगाया है वो 15 से 20 लाख इसकी कीमत है। जो बता रहे हैं कि 600 रुपए के आसपास इसका जो पूरी फुल बॉटल है, 300 रुपए इसकी हाफ और छोटा जो क्वार्टर आता है वो 150 रुपए के आसपास। इस रेट से हमने जो उसका कीमत लगाया 15 से 20 लाख है। तो बिहार में शराब प्रतिबंधित है? बिल्कुल, बिहार में प्रतिबंधित है इसलिए वहाँ पे अवैध तरीके से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहाँ पे जो शराब की कीमत, ये जो हरियाणा में लोग शराब उठा रहे हैं काफ़ी सस्ते दाम में उठा लेते हैं और जहाँ पे भी प्रतिबंधित होता है वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे उसका रेट बढ़ जाता है। तो इनका मकसद प्रॉफिट मोटिव है कि जहाँ पे प्रतिबंधित है वहाँ पे ऊँचे रेट में, सस्ते रेट में शराब खरीदा और ऊँचे रेट में वहाँ बेचने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री